बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट टू है, उसमें आपके पास क्या प्रोपोजिशन गिवन है, 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, और आपको बोला हुआ कि बताओ ये डिविजिबल है 64 के या नहीं। तो मैं शॉर्ट से आपको बताता हूं क्या करना है आपने, n इक्वल टू 1 आप पुट करना, जो भी नंबर आ रहा होगा देखना वो डिविजिबल में 64 होगा। कैसे पता चलेगा, उस नंबर को कैलकुलेटर में पुट कर देना, अगर कोई आपके पास होल नंबर आ रहा है कोई इंटीजर आ रहा है That's it, आपके पास प्रूव हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी बात। तो वो तो आप लोग कर लोगे, फिर आप एज्यूम करोगे k के लिए ठीक है, तो मतलब आप इसमें n की जगह पे k पुट कर दोगे, तो आप एज्यूम करोगे कि स्टेटमेंट n इक्वल टू k पे ठीक है, मतलब डिविजिबल बाय 64 है। अब आप डिस्कस करोगे k प्लस 1 वाला केस, जो मुझे असल बताना है। तो k प्लस 1 वाला केस डिस्कस करते हैं, क्या करोगे आप इसमें पुट कर दोगे n की जगह पे k प्लस 1 ठीक है, यहां पे भी आ जाएगा k प्लस 1, आप सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 2 के 2 को 1 से करो 2 2 2 4, ये हो जाएगा माइनस 8 के माइनस 8 को 1 से करोगे माइनस 8 माइनस 8 और माइनस 9 माइनस 17 ठीक है। अब आ जाओ उस प्रोसेस पे, क्या प्रोसेस है कि आपने जो हाइपोथेसिस जो अजम्पशन की थी ना उसे मैच करना चाहिए। अजम्पशन में लिखा हुआ है 2 के प्लस 2, यहां पे लिखा हुआ है 2 के प्लस 4, तो 2 एक्स्ट्रा है, तो आप उसको इस तरह लिख सकते हो ठीक है, स्क्वायर अब अलग कर लो, बेसिस सेम है दोबारा ऐड होंगे 2 प्लस 2 दोबारा 4 हो जाएगा, इस तरह लिख लो ठीक है। ये जो 3 का स्क्वायर आपने, चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं इसको, ये जो 3 का स्क्वायर आप इसको इधर लिख दो ठीक है। अब सवाल ये है कि जब आप 9 कॉमन लोगे, क्योंकि मैंने बताया था ये जो पहली टर्म लिखी हुई इसके साथ जो भी लिखा होगा कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन लेने के बाद एग्जैक्टली 3 टर्म आने चाहिए। तो अगर मैं 9 कॉमन लूंगा, पहली टर्म तो मैच कर रही है 9 कॉमन लेने के बाद, जब मैं माइनस 8 पहली बार माइनस 8 के से मैं 9 कॉमन ले ही नहीं सकता, तो अब मसला क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे माइनस 8 के चाहिए, माइनस 8 के चाहिए 9 कॉमन लेने के बाद, तो मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं 9 8 के, ये मैं अपनी तरफ से क्यों लिखा, जब मैं इससे मैं 9 कॉमन लूंगा तो पीछे माइनस 8 के बचेगा, एग्जैक्ट चीज मैच कर जाएगी, तो मैंने अपनी तरफ से चीज लिख दी, अपनी तरफ से लिखी है तो कंपनसेट करने के लिए प्लस का भी लिखना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद ये जो माइनस 8 के है इसको अपनी जगह पे ले दो यहां पे, तो के वाले टर्म को तो आपने डील कर लिया। अब रही बात कांस्टेंट को कैसे डील करें, कांस्टेंट क्या है भाई, यहां पे चाहिए आपको 9 माइनस 9 ठीक है, तो आपको कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसमें जब आप 9 कॉमन लो तो पीछे क्या बचना चाहिए, माइनस 9, क्योंकि इन तीनों टर्म से आप 9 कॉमन लोगे ना, तो 9 कॉमन लेने के बाद पीछे क्या बचना चाहिए, माइनस 9। इन शॉर्ट आपको ये वाला नंबर चाहिए जिसमें जब आप 9 कॉमन लो तो पीछे क्या बचे, माइनस 9 ठीक है, ये नंबर चाहिए आपको कि जब मैं 9 कॉमन लूंगा तो पीछे क्या बचना चाहिए, माइनस 9, मतलब इस चीज से मैच करेगा। अब ये नंबर क्या है, ये नंबर माइनस 81 है, अब माइनस 81 ऊपर मौजूद नहीं था, तो वही काम करो, आपने माइनस 81 अपनी तरफ से ऐड किया, सबट्रैक्ट किया ना, आप अपनी तरफ से ऐड कर दो उसको, यहां पे सेपरेट किया था यहां पे ऐड कर दिए, और ये माइनस 17 अपनी जगह पे। यार ये गाइड्स में टीचर के सॉल्यूशन में बात बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अंदाज में लिखी होती है, मेरे पास तो पता नहीं 7-8 टर्म होगी है ना, वो सिर्फ समझाने के लिए, मैं अगर डायरेक्ट लिख देता समझ नहीं आती आपको बात, और पेपर में आप बिल्कुल ये कर सकते हो, इससे कोई गलती होने के चांस नहीं है। मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूं प्रोसेस, के लिए प्रोसेस आप क्या करोगे, देखो आपको यहां पे माइनस 8 के चाहिए और कॉमन क्या लेना है, 9 कॉमन लेना है, आप इन चीजों को कंबाइन कर दो, 9 कॉमन लेना है और माइनस 8 के चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, माइनस 9 8 के। अब आपने अपनी तरफ से माइनस 9 8 के लिखा, कंपनसेट करने के लिए पॉजिटिव 9 8 के, तो सेकंड टर्म वाला मसला भी आपका हल हो गया। अब थर्ड टर्म आपको माइनस 9 चाहिए 9 कॉमन लेने के बाद, तो 9 और इस माइनस 9 इसको कंबाइन करके लिखो तो क्या हो जाएगा, माइनस 9 9, जब मैं 9 कॉमन लूंगा पीछे माइनस 9 आ जाएगा। अब मैंने अपनी तरफ से टर्म लिखी है कंपनसेट करने के लिए ठीक है, माइनस 8 की अपनी जगह पे, माइनस 17 अपनी जगह पे, इनके साथ मैंने कोई चेंजिंग नहीं, इनको मैंने साइड में कर दिया, जो अपनी तरफ से चीजें ऐड की हैं कंपनसेट किया, इसको ऐड किया कंपनसेट किया, जो बाकी दो टर्म है वो अपनी जगह पे मैंने रख दी ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करो, 9 कॉमन ले लो, ये होगा 3 2 के प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस 8 के, ये हो जाएगा माइनस 9, देखो एग्जैक्ट पूरी चीज मैच कर, ये जो मेरा गोल था, बाकी को सिंप्लीफाई कर लो, 9 8 के और माइनस 8 के, ये हो जाएगा 8 8 के, अच्छा जी माइनस 17 और 81 81 में अगर आप माइनस 17 करोगे तो आई गेस 64 आएगा, पॉजिटिव 64 हाँ।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई पूरा 8 64 होता है, 64 के और 64, तो यहां से आप 64 कॉमन ले लो, पहली टर्म से k बचेगा, दूसरी टर्म में से 1 बचेगा, यहां पे 64 के आ रहा है, यहां पे 64 आ रहा है, 64 कॉमन लो, k प्लस 1 बचेगा, और शुरू की टर्म क्या है ये वाली, दैट्स इट। जितनी सिंप्लीफिकेशन करनी थी कर ली, अब रिजल्ट आने का वक्त है। अब रिजल्ट किस तरह लिखोगे, कैसे इंग्लिश में लिखोगे, आप लिखोगे बाय आवर अजम्पशन ये पूरी चीज डिविजिबल है 64 से, क्यों, क्योंकि देखो ये तो आपने अज्यूम किया था ये 64 से डिविजिबल है, अगर ये चीज 64 से डिविजिबल है, मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, अभी भी ये डिविजिबल बाय 64 रहेगी, तो इसका तो मसला है। अब क्या ये टर्म 64 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, कैसे बाय 64 के प्लस 1, ये 64 से डिविजिबल है, कैसे, जब मैं इसको 64 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, के प्लस 1, और के प्लस 1 कोई पॉइंट वाला आंसर नहीं है, के प्लस 1 कोई फ्रैक्शन वाला आंसर नहीं है, एक इंटीजर आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा, क्यों, के क्या है यहां पे, नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर के अंदर 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, तो कहने का मतलब इस पूरी चीज को जब आप डिवाइड करोगे 64 से तो आंसर में आपके पास कोई नेचुरल नंबर आ रहा होगा, यही तो डिविजिबिलिटी है, 10 इज डिविजिबल बाय 2, क्यों, 10 को 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर आपके पास पॉइंट में तो नहीं आता ना, कोई नेचुरल आ रहा है, तो वही चीज है, इसको जब 64 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेचुरल आएगा, दैट्स व्हाई कि ये पूरी चीज क्या है, डिविजिबल बाय 64 है। तो जब दो चीजें डिविजिबल बाय 64 हो और उनको आपस में ऐड करो तब भी वो 64 से डिविजिबल रहेंगे, फॉर एग्जांपल 4 और 10 ये दोनों 2 से डिविजिबल है ना, तो इन दोनों को बेशक ऐड कर दो अभी भी डिविजिबल बाय 2 रहेंगे, 4 प्लस 2 14 अभी भी डिविजिबल बाय 2। जब दो चीजें किसी नंबर से डिवाइड हो रही हैं तो आप ऐड करो उनको या सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी 2 से डिविजिबल रहेंगे, बस सब्ट्रैक्ट वाला किया डिस्कस करोगे तो नेगेटिव इंटीजर आ रहा होगा, लेकिन अगेन डिविजिबल तो आप उसको कह दोगे, तो ये हो गया। तो मेरे स्टेप तो मैंने आपको बता दिए, अब ये मैं किसी और सवाल का डिस्कस करता हूं आपसे। काफी डिटेल है बच्चों, मैंने शुरू के 2 क्वेश्चन करवाए हैं ताकि आप लोगों को इश्यू ना हो, और मैंने कोई ख्याल नहीं किया कि मैं प्रॉपर टर्म्स की फॉर्म में लिखूं, मैंने रॉ फॉर्म में लिखा ताकि आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी हो, खूबसूरती भी मुझे चाहिए कि मिस्टेक ना हो। तो तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10^(n+3)^(4)^(+2)/5 और बोला हुआ है कि प्रूफ करो ये डिविजिबल है 9 से, कोई मसला नहीं, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप k वाला केस डिस्कस करो, 10k+3 4k+2 +5 ये चीज आपको चाहिए होगी जो एज्यूम वाला केस है। अब आप के प्लस 1 डिस्कस करो यहां पे, n इक्वल टू के प्लस 1 पे, तो ये आ रहा होगा 10^(k+1)+3)^(4)^(k+1) n की जगह पुट किया और प्लस 2 अपनी जगह पे और प्लस 5। तो अब क्या होगा, अब जरा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो आपको यहां पे 10^k चाहिए और यहां पे 10^k+1 है, एक 10 एक्स्ट्रा है तो आप अलग कर लो, ठीक है, तो ये मैंने अलग कर लिया। अच्छा यहां पे ये चीज मौजूद है, मतलब पावर में के प्लस 2 है, यहां पे पावर में क्या है, के प्लस 3 आ रहा है ना, मतलब इसको मैं किस तरह लिख सकता हूं, के प्लस 3 जबकि आपको चाहिए के प्लस 2, तो एक 4 एक्स्ट्रा है तो आप इसको इस तरह लिख दो, एक 4 एक्स्ट्रा था उसमें आप अलग कर लिया, वही बेसिस सेम है, के प्लस 3 दोबारा आ जाएगा, एक्स्ट्रा था अलग कर लिया आपने प्लस 5। अब जो एक्स्ट्रा चीजें शुरू में लिखते हैं, 10 शुरू में आ जाएगा, ठीक है, ये 3 और ये 4 मल्टीप्लाई होंगे तो शुरू में 12 आ जाएगा, नहीं अरे इस 4 को साइड पे करो, इस 4 को साइड पे कर दिया, अंदर क्या है 3^(4k+2)+5। अब मैंने इस तरह लिखा क्यों है, ये वाली टर्म आपको नजर आ रही है ऊपर, ये वाली टर्म आपको नजर आ रही है ऊपर, ये वाली टर्म नजर आ रही है ऊपर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहली वाली टर्म देखो, पहली वाली टर्म आपको 10^k चाहिए, ये वाला 10 एक्स्ट्रा, इसका मतलब आपको यहां पे कॉमन क्या लेना है, आपको 10 कॉमन लेना है, ठीक है, तो अगर आप इसमें से 10 कॉमन लोगे तो पहली वाली टर्म मैच कर जाएगी, क्या दूसरी वाली टर्म से आप 10 कॉमन लोगे तो मैच करेगी, नहीं, ये वाली टर्म में तो 4 आ रहा है ना, कुछ 10 का तो जिक्र ही नहीं, यहां पे आपको 10 चाहिए था, तो आप इसको इस तरह लिखो, आप अपनी तरफ से ये वाली टर्म लिख दो। अब आपको पता है जब मैं इस टर्म से 10 कॉमन लूंगा तो ये एग्जैक्ट वही वाली टर्म मैच कर जाएगी, मतलब एग्जैक्ट जो टर्म आपको ऊपर लिखी हुई है ना उसके साथ आप वो मल्टीप्लाई कर दो जो आप कॉमन ले रहे थे, आप कॉमन 10 ले रहे थे ना, तो एग्जैक्ट मैंने इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया। ये करने के बाद जब मैंने प्लस का अपनी तरफ से किया है तो मुझे कंपनसेट करने के लिए माइनस का भी करना पड़ेगा, अपने तरफ प्लस का किया माइनस का भी कर दिया, एटलीस्ट इतना तो मुझे तसल्ली हो गई, जब मैं 10 कॉमन लूंगा तो दूसरी टर्म मैच कर देगी।
अब सवाल ये है कि 5 आना चाहिए, और 5 कैसे आना चाहिए? कोई ऐसा नंबर बताओ जिसे जब मैं 10 कॉमन लूं तो पीछे 5 बचे। तो उसको लिखने का सिंपल तरीका ये है, 10 × 5। जब मैं 10 × 5 इसमें से मैं 10 कॉमन लूंगा तो पीछे 5 बच जाएगा। अब मैंने अपनी तरफ से चीज लिखी है तो कंपनसेट करने के लिए मुझे माइनस का लिखना पड़ेगा। जब ये अपनी तरफ से लिख लो, कंपनसेट कर लो, अब जो ऊपर टर्म रह गई थी ना जिनको आपने इग्नोर किया वो लिखो। इस वाले टर्म को आपने कंसीडर नहीं किया था, इसको लिख दो, ठीक है, और इसको कंसीडर नहीं किया था इसको लिख दो। मुझे पता है टर्म ज्यादा है, लेकिन इस तरह करोगे तो आपका कोई एरर होने का चांस नहीं होगा। प्रॉपर टेक्निक के साथ आप करो, टर्म्स एक्स्ट्रा बन रही है कोई इशू नहीं है, गलती नहीं होनी चाहिए, ये मैटर करता है, ठीक है। तो अब ये पूरा तैयार हो गया, आप सबसे पहली बार शुरू की टर्म में से 10 कॉमन ले लो, तो ये वाली चीज तो एग्जैक्ट मैच करती है जो हमारा गोल था। बाकी को सिंप्लीफाई करो, ये माइनस 10 के साथ है, ये 4 के साथ है, तो माइनस 10 और 4 ये हो जाएगा माइनस 6, तो माइनस 6 के साथ ये चीज आ जाएगी, ठीक है। ये माइनस 10 मल्टीप्लाई मतलब ये माइनस 50 है और ये प्लस 5 है, तो ये माइनस 45 हो जाएगा, ठीक है। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाली टर्म तो एज इज लिख दो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 6 को आप मल्टीप्लाई करो माइनस 18 से, तो ये हो जाएगा माइनस मतलब 6 को 3 से करो हो जाएगा माइनस 18 4k प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस 45, ठीक है। अब आपने करना क्या है यहां पे, यहां पे आपको डिविजिबल बाय 9 करना था ना, आपको पता है 9 के टेबल में 18 भी आता है 45 भी आता है, ये तो ऑलरेडी मसला नहीं है ना, ये पूरी चीज डिविजिबल है 9 से, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो ये भी डिविजिबल रहेगी, इस टर्म का तो इश्यू नहीं है, असल इन दो टर्म का मसला होता है। तो आप क्या करो, इन दोनों टर्म से आप कॉमन ले लो माइनस 9, जब माइनस अच्छा मैंने 9 ही कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ये चीज यहां पे लिखी हुई थी। तो आप क्या करो, आप इनसे माइनस 9 कॉमन लो, क्योंकि आपको 9 से डिविजिबल प्रूफ करना है ना, जैसे वहां पे 196 के था, 196 49 के टेबल में आता था, फिर एक 64 आपने कॉमन लिया था दूसरे वाले सवाल में, क्योंकि 64 से डिविजिबल करना था। तो अगर दो टर्म आपको नजर आ रही है ना, तो उसमें से वो चीज कॉमन लो जिसकी डिविजिबिलिटी आपने प्रूफ करनी है, आपने आपके 9 की डिविजिबिलिटी प्रूफ करनी है ना, तो आप इनमें से 9 कॉमन ले लो। 3 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन 9 कॉमन लोगे बताने में सही रहेगा। तो 9 कॉमन लो, पहली टर्म से बचेगा 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर k प्लस 2, और दूसरी टर्म में से 9 कॉमन लोगे माइनस 5 बचेगा। अभी दूसरी टर्म है, पहली टर्म तो डिविजिबल होगी, उसका तो मसला ही नहीं है। क्या ये टर्म डिविजिबल है? बिल्कुल टर्म डिविजिबल है। क्यों भाई? इस पूरी चीज का आंसर कोई रियल नंबर, कोई नेचुरल नंबर होगा ना। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लो के मैं यहां पर 1 पुट कर रहा हूं, कंसिडर कर लो, फॉर एग्जाम्पल के कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। आप यहाँ के 1 पुट करो, 1 प्लस 2 क्या होगा 3, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करो 128, 128 को माइनस 5 करो 123। भाई कुछ भी करो, कोई पॉइंट में तो नंबर नहीं आएगा ना। इस पूरी चीज का आंसर कोई आपके पास नेचुरल आएगा, उसको मल्टीप्लाई 2 करोगे तब भी कोई नेचुरल होगा, उसको माइनस 5 करोगे तब भी नेचुरल आएगा वो। तो अगर कोई भी नेचुरल नंबर उसको आप n से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी नंबर 9 से डिवाइड ही होगा। पार्ट 4 में लिखा हुआ है फॉर मतलब कंडीशन थोड़ी चेंज की गई है, लाइक आपको स्टेटमेंट दी गई 11n प्लस 2 प्लस 12 2n प्लस 1 ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डिविजिबल 133, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है प्रूफ करो फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां पे बेस केस आप 0 भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मैंने कहा था बेस केस जरूरी नहीं 1 होता है, 2 भी आप कर लो कोई मसला नहीं, तो 1 आपने करना है। असल बात होती है कोई भी वैल्यू पे प्रूफ करना है आपने, फिर आप एज्यूम करते हो, तो n इक्वल टू 1 पे आप नॉर्मली करते हो क्योंकि नेचुरल नंबर डिस्कस किए जाते हैं। आप ये 0 भी कंसीडर कर दिए तो आप बेस केस 0 कंसीडर कर लेना यहां पे, मतलब आप n की वैल्यू 0 पे प्रूफ कर लेना। जब आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे यहां पे तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, यहां पे 0 पुट करो ये 12 की पावर मतलब 12 भी रहेगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 121 के साथ 12 ऐड करो 133, और आपको पता है 133 इज डिविजिबल बाय 133, आंसर जो है इसका क्या आ रहा है 1 के बराबर आ रहा है। तो n इक्वल टू 0 भी प्रूफ कर सकते हो, n इक्वल टू 1 पे भी आप प्रूफ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन बेहतर क्या आ जाएगा, जो बिल्कुल छोटा केस होता है ना बेस केस, उस पे आप डिस्कस करते हो, तो n इक्वल टू 0 पे आप प्रूफ कर लेना। बहर बेस केस आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब आप आ जाओ k पुट करना, एज्यूम आप ये करोगे, ठीक है, तो आप प्रूफ करोगे कि डिविजिबल है 133 से, आपने एज्यूम किया। अब आप k+1 वाला क्यों डिस्कस करोगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 11k+3, ये हो जाएगा 12 2k 2 1 2 2 1 3 ये हो जाएगा। अब हकीकत में आपके पास k की पावर 2 है यहां पे,
और ये मतलब k के साथ 2 ऐड हो रहे हैं, यहां पे k के साथ 3 ऐड हो रहा है, तो मतलब एक 11 की पावर एक्स्ट्रा है। तो आप इसको इस तरह लिख देना k प्लस 2 11 की पावर 1, बेसिस सेम, दोबारा ये चीज आ जाएगी। अच्छा इसी तरह यहां पे 2k के साथ 1 लिखा हुआ है, यहां पे 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह लिख देना 12 की पावर 2k प्लस 1 और एक्स्ट्रा 2 पावर जो है उसको इस तरह लिख देना। सही, सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा 11 की पावर k प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करो 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा 12 की पावर 2k प्लस 1। अब आप इस टर्म से क्या कॉमन लोगे, आप इस टर्म से 11 कॉमन लोगे, तो जब मैं इस टर्म से 11 कॉमन लूंगा मेरे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब मैं इस टर्म से 11 कॉमन, पहली बार 11 कॉमन आएगा नहीं, 11 144 के टेबल में नहीं आता, नहीं आता ना, 110 है, हाँ नहीं आ रहा। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि जब मैं 11 कॉमन लूं तो मेरे पास ये चीज आ रही हो, तो आप अपनी तरफ से क्या करना, इसके नेक्स्ट स्टेप के बाद आसानी के लिए आप 11 लिखना 11 की पावर k प्लस 2, अपनी तरफ से आप ये टर्म ऐड कर देना 11 मल्टीप्लाई 12 2k प्लस 1। क्यों, जब आप इस टर्म में से 11 कॉमन लोगे तो ये वाली टर्म आ रही होगी, ठीक है। तो अब आपने अपनी तरफ से ये चीज की है, तो कंपनसेट करने के लिए आप यहां पे नेगेटिव का कर देना, ठीक है, अपनी तरफ से 11 का किया था, अपनी तरफ से सबट्रैक्ट कर दिया, और ये वाली जो चीज थी अब इसके बाद लिख दो, पहले भी लिख सकते हो कोई इशू नहीं है, ऑर्डर मैटर थोड़ी ना करता है एडिशन सबट्रैक्शन में, आप इस तरह लिख दो। तो क्या किया आपने, आपको चाहिए थी 12 2k प्लस 1, लेकिन 11 कॉमन लेने के बाद तो आपने 11 मल्टीप्लाई इस टर्म को कंसीडर किया, अपनी तरफ से ऐड किया क्योंकि पॉजिटिव चाहिए था, तो सबट्रैक्ट भी करवाना पड़ा, तो ये तो ऐसे आई, और ये जो शुरू भी जाएगी की टर्म थी इसको आप साइड पे कर दो। तो फायदा क्या हुआ, आप शुरू की दो टर्म से 11 कॉमन लो, ये हो जाएगा 11 k प्लस 2, यहां पे हो जाएगा 12 2k प्लस 1, तो एग्जैक्ट ये पूरी चीज मैच कर गई जो हाइपोथेसिस में आपने कंसीडर किया था। अब जो बाकी टर्म को डील कर लो, माइनस 11 और 144, ये हो जाएगा 133, तो इसमें तो खैर कोई मसला ही नहीं है। अब ऑब्वियसली ये वाली टर्म 133 से डिवाइड होगी और ये वाली टर्म भी 133 से डिविजिबल है, क्यों, जब आप इस टर्म को 133 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 की पावर 2k प्लस 1, और डेफिनेटली ये नेचुरल आंसर है, कोई पॉइंट में नहीं आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल k की वैल्यू 2 आप कंसीडर करो, 2 2 4 4 प्लस 1 5, 2 की पावर 5 32 होता है, तो जब आप किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हो आंसर पॉइंट में ना आए तो इसका मतलब वो डिविजिबल है, तो लिख देना ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, दैट्स व्हाई आपकी स्टेटमेंट पूरी डिविजिबल है 133 से। और आखिरी सवाल है, a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n और डिविजिबल होनी चाहिए a प्लस डी से, और यहां पे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है तो बेस केस 1 ही ले लेना आप, यहां पे 1 जरा पुट करोगे ना तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a माइनस b a प्लस b, तो डेफिनेटली a माइनस b a प्लस b डिविजिबल है a प्लस b से, क्यों, क्योंकि जब आप इस पूरी चीज को डिवाइड करोगे a प्लस b से तो आंसर क्या आएगा a माइनस b। और फिर इंडक्शन की बात करते हैं, ये हो जाएगा a 2k b 2k, अब k ये आपको लाना है, अब k प्लस 1 पुट करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a की पावर 2k, और देखो यहां पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, अब 2 एक्स्ट्रा है ना क्योंकि पावर में 2k चाहिए, यहां पे 2k प्लस 2 आ रहा होगा, तो कंपनसेट करने के लिए 2 को अलग कर लूंगा मैं, तो एक स्टेप मैंने स्किप कर लिया, टाइम नहीं है इतना, आप लोग देख लेंगे तो मुश्किल नहीं। इस तरह यहां पे b की पावर 2k और 2 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस 2 आ रहा होगा, जबकि जस्ट मुझे 2k चाहिए, तो प्लस 2 को आप इस तरह लिखते हैं। सही, अब जरा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा a स्क्वायर a की पावर 2k माइनस b स्क्वायर b की पावर 2k। अब पहली टर्म से जब आप a स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, सही है, कोई इशू नहीं है। दूसरी टर्म ऐसी होनी चाहिए जिससे जब आप a स्क्वायर कॉमन लो तो ये आए, जबकि आपको पता है दूसरी टर्म से मैं a स्क्वायर कॉमन ले नहीं सकता, तो आप जबरदस्ती लिखो दूसरी वाली टर्म को, कैसे लिखोगे आप लिखो ये चीज, अपनी तरफ से आपने टर्म सब्ट्रैक्ट करवाई है यहां पे कि जब मैं इसे a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मेरे पास b की पावर 2k आ जाएगा, अपनी तरफ से आपने यहां पे लिखा, ठीक है, तो जब अपनी तरफ से लिखा है कंपनसेट करने के लिए लिख भी देना, ठीक है, और ये जो ओरिजिनली जो मौजूद थी इसको आप साइड पे लिख दो। तो वही आपने काम किया, a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद दूसरी टर्म आनी चाहिए, तो कैसे लिखो, दूसरी टर्म को लिखो a स्क्वायर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखो, ये आपके पास टर्म आ गई, जब मैं a स्क्वायर कॉमन लूंगा b के पावर 2k आ जाएगा, जब मैंने सबट्रैक्ट करवा ली मुझे ऐड भी करवानी पड़ी, और ये वाली टर्म जो मैंने पहले डिस्कस नहीं की थी उसको मैंने कोने पे लिख दिया। अब आप शुरू की टर्म में से a स्क्वायर कॉमन लो तो आपके पास आएगा a की पावर 2k माइनस b की पावर 2k, तो ये पूरी टर्म तो भाई डिविजिबल है a प्लस b से, इसको तो चेंज नहीं कर सकते। अब इनको डिस्कस करते हैं, यहां पे आप b की पावर 2k कॉमन ले लो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा।
ये भी डिविजिबल है, क्यों? आपने बेस केस में बताया था कि यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिविजिबल है ए प्लस बी से, तो ये जो पूरी चीज है ये तो डिविजिबल है ए प्लस बी से। तो जब कोई चीज डिविजिबल हो किसी चीज से, उसको आप किसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसको कोई फर्क नहीं रहता, वो फिर भी डिविजिबल रहती है। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिविजिबल है ए प्लस बी से, तो इसको अगर बेशक आप बी की पावर टू के से मल्टीप्लाई कर दो, ये अब भी डिविजिबल रहेगा ए प्लस बी से। ये बात मैंने बहुत दफा डिस्कस की है। तो ये वाली पूरी चीज भी ए प्लस बी से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, सवाल आपका प्रूव हो जाएगा। ये करना था आपको सवाल में। मेरी नमाज का वक्त हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 8.2 स्टार्ट करेंगे। 8.2 का कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, मैथमेटिकल इंडक्शन या मैं एक दो चीजें आपको बता दूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह 8.2 स्टार्ट कर देंगे, फिर बायनोमियल पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।